साथियों मैं इजी आपका इजी मैथ्स का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपने सही सुना कि एक महीने में कैसे लाएं मान मैथ्स में 18 प्लस नंबर एयरफोर्स और नेवी में। तो मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको 18 प्लस मार्क्स बनाऊंगा, यानी कि 20 भी हो सकते हैं। अब मेरी स्ट्रेटजी तो अपनाइए, एक बार वीडियो को पूरा तो देखिए। अगर आप 18 मार्क्स नहीं लाए, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैं बता सकता हूँ आपको किस तरीके से आएंगे। तो आप पहले जो चैप्टर में बता रहा हूँ ना, आप उन्हीं को कीजिए और मैं देखता हूँ कैसे नहीं आते हैं। ओके, तो पहले आप, मैं बताता हूँ, आप करते चलिए जो मैं बता रहा हूँ। आप पहले वीडियो देख लीजिए ध्यान से, चैनल को बाद में सब्सक्राइब करिए, लाइक फाइक बाद में कर देना, पहले ध्यान से देखिए। तो मैं आपको बताऊँ, एक नंबर का क्वेश्चन लॉग में से ज़रूर बनता है। लॉग चैप्टर देखा होगा, बहुत छोटा है और इसके लिए आपको कुछ नहीं, लूसेंट सफिशियंट है। लूसेंट में बहुत क्वेश्चन दिए, लूसेंट सफिशियंट है इस चैप्टर के लिए और आपको एक नंबर देगा, एक नंबर डेफिनेटली, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो। ओके, और दूसरे नंबर पर आप कौन सा चैप्टर उठाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप उठाइए कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को, और इसके लिए आप लूसेंट और आरएस दोनों भी लगा सकते हैं। लूसेंट तो लगानी है और आरएस भी आप लगा सकते हैं, यानी कि लूसेंट और आरएस दोनों लगा सकते हो। इसमें से भी डेफिनेटली एक नंबर का आना ही आना है। ओके, और फिर तीसरा बात करते हैं हम, और देखो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से आना जाना डेफिनेटली आना है, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। मैं आपको बता देता हूँ पहला, दूसरा और तीसरा, और एक महीने के अंदर आप रिवाइज कर दीजिए पूरा। और तीसरा आप कीजिए सबसे ईजी चैप्टर बायनोमियल थ्योरम। कौन सा? बायनोमियल थ्योरम में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाए। और सुनो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 25-25 क्वेश्चन के मैं सेट डालूँगा अभी कुछ दिनों बाद, जब ये वीडियो थोड़ा ना चैनल थोड़ा आगे तक प्रमोट करें, अगर आप सपोर्ट करें तो मैं 25-25 क्वेश्चन डालूंगा। और आप कमेंट में बताइए कि मैं डालूँ या ना डालूँ, क्योंकि मैं 25-25 क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर ही डालूँगा, जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम में से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। मैं बताऊंगा ना किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, आप पहले देख तो लीजिए, वीडियो को तो देख लीजिए, ठीक है। तीसरा और चौथा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और चौथा आप देखिए कि मैट्रिक्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से तो मैं आपसे कह दूँ तो 3+2 तो रख लीजिए, 2+ तो क्वेश्चन आने डेफिनेटली आने, 2+ तो आने ना। और मैट्रिक्स में क्वेश्चन कहाँ, आप प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, प्रॉपर्टीज़ पर तो क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की इम्पोर्टेंट हो, या ABC का मान पूछ ले, इस पे से आने हैं। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर यहाँ से हो गए, और चौथा पाँचवा कीजिए आप डिटर्मिनेंट में तो एक क्वेश्चन आना है। डिटर्मिनेंट तो आपको कुछ नहीं है, आप बस ABC की वैल्यू रख के आपको चेक करना है और आंसर लाना है, बस इतना ही आएगा। मैं बता दे रहा हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है क्या आता है क्या नहीं आता है। ओके, आप पहले फॉलो कीजिए मुझे, ठीक है। डिटर्मिनेंट में तो एक नंबर का आना जाना डेफिनेटली। और आप डिटर्मिनेंट के बाद अगर आपसे मैं बात करूँ तो 6 नंबर पर आप कीजिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ईजी चैप्टर है और आप आसानी से कर देंगे, तो इसमें से 2 नंबर आप गेन करोगे, 100% 2 नंबर का आना ही आना है। और इसमें से मैं आपको बता दूं क्या आएगा, जैसे आप सपोज कीजिए बैलून BALL, जैसे आप सपोज कीजिए बैलून जैसे बैलून दिया है, बैलून के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जाए कि इनका जो बॉबल से 7 आए, बॉबल 7 ना आए, या ऐसे क्वेश्चन आएगा इसमें से, कोई सा भी अक्षर दे दे, मैं ये नहीं कह रहा बॉबल सी दे, कुछ भी दे सकता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या एन का मान पूछेगा, या ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं सेट में आपको सब जैसे क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल डिक्टो एग्जाम जैसे ही कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। तो आप 2 नंबर यहाँ से, और 7वां नंबर आप प्रोबेबिलिटी। तो भाई इसमें आपको अगर क्वेश्चन बनना है तो आप कीजिए, मेरे हिसाब से तो इसे आप छोड़ ही दीजिए एग्जाम में, क्योंकि इसका क्वेश्चन अक्सर गलत भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है तो आप यूँ कह रहे हैं कि मेरे के नहीं, आप कीजिए अगर आपको आ रहा है, पर मैं मेरे हिसाब से तो आप इस चैप्टर थोड़ा लॉजिकली है, आपका देखना पड़ेगा। पर लेकिन मैं इस
इस चैप्टर में से आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आखिर बनता कैसे, मैं ये भी बताऊंगा क्वेश्चन आखिर आता कैसा है। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा प्रोबेबिलिटी में से, ओके। फिर इसके बाद आप कीजिए आठवां, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें से एक नंबर का आएगा। जैसे कि आपको दे दिया जाए कॉट माइनस के रूट थ्री, इतने का मान बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10, 10 नंबर आप यहीं से कट ऑफ, तो आप वैसे ही पार कर गए। तो 10 नंबर तो आपके इन चैप्टरों से ही आ गए, एक यानी कि 8 चैप्टर में से। तो और बहुत इजी इजी चैप्टर हैं आप देखें तो। तो कृपया इन चैप्टरों को तो आपको करना ही करना होगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। क्यों आप उनके पीछे भाग रहे हो कि भाई RS लगानी है, वो लगानी है, भाई लगाओ RS, पर लेकिन लूसेंट भी जरूर लगाना। लूसेंट लो लेवल का क्वेश्चन लो ना, जिस तरीके से आते हैं कि RS तो ND लेवल का है, तो क्या ND लेवल का क्वेश्चन देगा वो? नहीं देगा भाई, देगा आप पर लेकिन ND लेवल के नहीं देगा। तो आप 10 नंबर यहाँ से गेन कर चुके हो 8 चैप्टरों से। तो मैं अब आगे आपको चैप्टर और बताऊँगा जिसमें से आप और ईजी चैप्टर, और आपको इनको चैप्टरों को तो करना ही करना है। जैसे अब आप एक चैप्टर कीजिए 9वां नंबर में, सेट्स। सेट्स में थे आपको क्या पूछेगा? कुछ नहीं पूछेगा, यूनियन पूछेगा, क्रॉस पूछेगा, माइनस पूछेगा, बस ऐसे ही पूछेगा और बहुत इजी पूछेगा। और एक नंबर ये देगा सेट्स। मैं रिलेशन फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो चैप्टर भी बड़ा है और फंक्शन ज़्यादातर समझ में नहीं आता, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आएगा। आप ज़्यादा मत दीजिए कि दो, उस चैप्टर को आप छोड़ दीजिए मेरे हिसाब से, आपकी समझ में नहीं आता है तो। तो आप 9 और 10 नंबर पर आप क्या करोगे? 10 नंबर पर आप करोगे सबसे इम्पोर्टेंट जो भी आता है और मैं उसे कराऊंगा, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स कौन सा? स्टैटिक्स आएगा और एक नंबर का। इसमें क्या पूछेगा? आपसे कुछ नहीं पूछेगा, मोड पूछेगा। मोड बोले तो बहुलक, माध्य, माध्यिका या फिर गुरुत्व माध्य, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। एक नंबर का आता है बहुलक, माध्य, माध्यिका में रिलेशन बताइए, ये पूछ लेगा। एग्जाम में आया हुआ था, मैंने दिया था, मेरे में आया हुआ था। तो एक नंबर का बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, टीचर भी नहीं कराते। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना इसे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक मार्क्स देता ही देता है ये। और अगर आपको देखा जाए तो कितने हो गए, 8 नंबर 8 10 12 नंबर हो गए, ओके। अब आप कीजिए 11 नंबर पर सर्किल। सर्किल अपने आप में एक क्वेश्चन देता है, केवल एक छोटा सा टॉपिक है और अपने आप में एक नंबर देता है। क्यों आप कर रहे हो? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वो तो बहुत बड़े चैप्टर हैं, मैं मानता हूँ उनमें से क्वेश्चन आता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, पर लेकिन सर्किल आपको एक नंबर का क्वेश्चन जरूर देगा और आपको ये चैप्टर तो करना ही चाहिए अगर आपको एक नंबर चाहिए तो। 11 और 12 नंबर पर देखें तो आप एक लिमिट का चैप्टर कर लीजिए साहब, लिमिट का चैप्टर कर लीजिए, एक नंबर तो यही दे देगा। और लिमिट में बहुत सरल सरल क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया है लिमिट एस टेंस टू जीरो, 1 माइनस के cos 2x / x² वैल्यू बताइए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताऊंगा और कैसे क्या क्या आएंगे मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। बस आप मुझे फॉलो करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे लिमिट करने के बाद आप कीजिए वेक्टर, और वेक्टर में से एक क्वेश्चन आने या नहीं डेफिनेटली है। आप वेक्टर कीजिए, एक नंबर का आएगा। और लूसेंट कीजिए, RS भी मत लगाइए, अभी जब आपका लेवल लो है तो RS मत लगाइए, लूसेंट कीजिए। पर लूसेंट को 4-5 बार रट दीजिए एकदम, क्वेश्चन देखते ही क्या मानना चाहिए। और जो मैं बता रहा हूँ बस वही कीजिए, मैं बता रहा हूँ ना वही कीजिए बस, ठीक है। वेक्टर के बाद 14वें नंबर पर आप क्या किस किस को करना है? 3D, और 3D एक नंबर का देगा और उसमें कुछ नहीं पूछेगा। जैसे 2, 3, 4, ये एक्स अच्छे से दूरी बताइए, एक्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस, या एक्स वाई तल से दूरी बताइए, एक्स वाई तल प्लेन पर दूरी बताइए, इस तरह के से पूछेगा। 14 और 15वें नंबर पर आप कीजिए इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन 4 नंबर देगा, अरे 4 नंबर का आता है, इसमें 2 नंबर का आता है, एक डेफिनेट इनडेफिनेट। भाई इसका जो वो है ना एरिया वाला सवाल, इसका जो एरिया वाला सवाल और देगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इनडेफिनेट और डिफरेंशियल डेफिनेट, ये अपने आप में 4 नंबर का है। ये पोर्शन कीजिए आप, और डिफरेंशिएशन भी कीजिए, डिफरेंशिएशन में से इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा,
पर लेकिन आप जितना टाइम हो उतना के हिसाब से कीजिए। पर लेकिन मैं कह रहा हूँ आप इन चैप्टर को तो आपको करना ही करना है, जैसे कि 10 नंबर वहाँ से हुए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 चार 20, 20 नंबर आ गए भाई हमारे। अब 20 नंबर अब आपका हो गया कि अभी तो इंट्रीगेशन भी रह गया, वो भी रह गया, ये ऐसे तो बहुत रह गया है, आएगा तो सब में से ही, जो इम्पोर्टेंट है वो तो करो, पहले ये तो करो। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप अगर ये चैप्टर कर लोगे तो आप 20+ स्कोर आप इजीली कर सकते हो। मैं आपको 25-25 क्वेश्चन के सेट दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों डिप्रेशन में हो रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ बस वही कीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और आप जल्दी से जल्दी चैनल को आगे बढ़ाओगे तो मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा, जैसे जो मैंने किया है। मैं 2 टाइम सेलेक्टेड हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ मैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं किस इशू के कारण से रह गया था। ओके, तो आप वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। ओके।